Good morning students. Welcome you all in your subject science in chapter 3, part, revision of chapter 1, 2, 3. Okay. So open your book, page number 27. How much have you learned? Kitna So, first question is: what will you do to maintain the garden if your school? चलो आपके स्कूल में अगर गार्डन है तो आप कैसे उसे मेंटेन करेंगे वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट ओके दूसरा वी वाटर द प्लांट्स रेगुलरली ओके और वी शुड नॉट प्ले दैट गेम विच हार्म टू प्लांट्स ऐसी गेम प्ले नहीं करेंगे जिससे प्लांट खराब हो ओके okay? एंड और क्या करेंगे वी शुड अ फेंस टू प्रोटेक्ट सम स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स राइट तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेंगे उसको वाटरिंग करेंगे तो वो ऐसे ठीक से मेंटेन होंगे और गार्डन ब्यूटीफुल लगेगा ओके okay? हियर वन एक्टिविटी इज देयर फेच बकेट फिल विथ वाटर, ओके एक बकेट में पानी भर के आओ ऑब्जर्व वाटर, पानी देखो अभी भर के आए हैं तो कैसा होगा ओब्वियसली प्योर एंड क्लीन वाटर राइट देन ऑल द स्टूडेंट्स वॉस देयर हैंड्स इन द बकेट फिर सब अपना हाथ धो इमेजिन ऑब्जर्व द वॉटर अगेन फिर वाटर को ऑब्जर्व करो तो आप समझ ही गए होंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन हाउ वॉज द वॉटर इन द बकेट अर्यर पहले बकेट में कैसा पानी था फ्रेश एंड क्लीन वाटर ओके द वॉटर वॉज फ्रेश एंड क्लीन वॉट चेंज वॉशिंग इन द वॉटर आफ्टर वॉशिंग हैंड्स चलो क्या चेंज हुआ होगाम डर्टी hmm. गंदा हो गया होगा ना क्योंकि सबने उसमें हैंड वॉश किए राइट वाई डिड द वॉटर गेट पॉल्यूटेड कैसे पॉल्यूटेड होता है तो वॉटर पॉल्यूटेड बाई सम एक्टिविटीज़ बाई द ह्यूमन बींग्स फॉर एग्जाम्पल हम वाटर में कुछ गारबेज थ्रो करते हैं कोई मर्ड ओके okay? वेस्ट जो होता है हमारे घर का या तो फैक्ट्री का ऐसे हम उसमें रिलीज करते हैं तो वो पॉल्यूटेड होता है अंडरस्टैंड सो so, ये हमें ध्यान रखना चाहिए वी शुड नॉट पॉल्यूट द वॉटर वाटर इज वेरी प्रेशियस थिंग नाउ okay. the द पेज लुक एट द पिक्चर ओके फर्स्ट क्वेश्चन Why शुड वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर टेकिंग मील चलो हैंड्स वॉश किए तो गंदा तो हो गया पर हमें ये करना चाहिए यस वी शुड वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली और अभी तो आपको पता ही है जो ये पेंडेमिक डिसीज है कोरोना राइट तो उससे फाइट करने के लिए हमें वी शुड वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली ओके टाइम टाइम पे हैंड वॉश करना चाहिए और आफ्टर मील तो हमें करना चाहिए बिकॉज हमारे हैंड्स स्टिकी हो जाते हैं तो उसमें जो एयर में जर्म्स है यू नो दैट जर्म्स कंटे एयर कंटेन्स जर्म्स राइट तो वो जर्म्स हमारे हाथ में लगते हैं और हाथों के थ्रू हमारे स्टमक में बिछाते हैं एंड इट गैट इल के हमें बीमार कर देते हैं सो वी शुड नो अबाउट दैट हमें ये ध्यान रखना चाहिए क्लीनलीनेस ओके देखिए यहाँ पे अ बॉय इज ट्रॉइंग गार्बेज इन अ डस्टबिन सो यू शुड मेक अ डस्टबिन फॉर योर सेल्फ बाई योर सेल्फ जैसे कि कोई बेस्ट बकेट है ऐसे उसमें से आप वेस्ट मटेरियल से आप डस्टबिन बना सकते हैं एंड राइट ऑन इट यूज़ मी टू थ्रो वेस्ट ओके चलो नेक्स्ट एक्टिविटी इज एंड से नी लीव्स द टैप ऑन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर इज़ इट गुड हैबिट नो सो यू शुड टू स्टॉप हीम ओके एंड टाइट द टैप आफ्टर यूजिंग आपको उसे इन्फॉर्म करना चाहिए कि आफ्टर यूज टू टाइप द टैप एंड डोंट वेस्ट वाटर. रीचा हार्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स ओ दैट इज ऑल्सो बेड हैबिट ओके ये भी अच्छी बात नहीं है बिकॉज फ्लावर इज अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एवरीबडी लुक्स लाइक लाइक्स टू लुक फ्लावर्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स कलरफुल फ्लावर्स राइट सबको पसंद है तो हम ऐसे फ्लावर को हम पहुंचाएंगे, तो कैसा लगेगा कलरलेस राइट सो यू शुड इन्फॉर्म हर रबिस इज़ लाइंग इन द क्लास रूम क्लासरूम में सोना चाहिए नो ओके वी शुड स्टैंड स्ट्रेट इन अ करेक्ट पॉस्चर ओके and sit on a bench, stand, walk in correct posture, right? हमें घर पे बेड पे सोए हो तो बराबर है right? चलो next, there are ditches containing squalor around the house. चलो आपके घर के आसपास अभी देखो मानसून सीजन है तो बहुत सारे जो खड्डे होंगे उसमें सब गंदी गंदगी भरी होगी राइट right? तो इज़ इट गुड नो तो क्या करना चाहिए हमें वी शुड कवर दैम विथ देंड और सॉइल ओके उसे कवर करना चाहिए ताकि उसमें पानी ना भरें और जो मॉस्किटोज है वो वहाँ पर ना बैठे राइट दैट इज़ आवर ड्यूटी मॉरल ड्यूटीज़ राइट स्मिथ डज़ नॉट गो टू स्कूल स्मिथ स्कूल नहीं जाते हैं नो वेरी बैड हाँ अभी तो आप भी नहीं जाते हो राइट बट यू मिस द स्कूल राइट सुमित स्मिथ स्कूल नहीं जाते हैं स्कूल जाने से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ओके एंड वी शुड डेवलप आवर डिफरेंट स्किल वी शुड लर्न वी शुड गो टू स्कूल एंड लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजिज डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो राइट और अलग अलग एक्टिविटी से स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ओके स्टूडेंट्स ओके देखिए अब परफॉर्म एक्टिविटी करनी है परफॉर्म दिस एक्टिविटीज़ ग्रूप इन थ्री ईज ये सब जो हमने बोला वो आप एक दूसरे के साथ अभी कर सकते हैं जैसे कि ब्रिंग फाइव सीज सीज ऑफ मोनोकोट एंड डिकोट फ्रॉम होम सब अलग अलग जो सीड्स है वो लेके आएंगे बराबर मोनोकोट सीज और डिकोट सीज हमने पढ़ लिया था राइट पुल सीज इन ट्रांसपेरेंट पाउच उसको ट्रांसपेरेंट पाउच में आप रखेंगे ये सब एक्टिविटीज़ आप ग्रुप में करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और एंजॉय गेम का गेम हो जाएगा ओके एंड स्टेपल देम एंड मेक अ चार्ट फिर आप देखेंगे कौन सा पहले स्टार्ट हुआ वो एक्टिविटी आपकी चालू है ना हम्म hmm, फिर मुझे डिस्कस करना है राइट एंड राइट द नेम ऑफ सीज ऑन चार्ट जो जो आपने सीड्स इकट्ठा की है कलेक्ट की है उनके नेम राइट करेंगे अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स तो दिस इज ऑल अबाउट रिविजन ऑफ चैप्टर वन टू थ्री Okay, thank you.